मंगलवार को ताजमहल देखने आए पर्यटकों और फोटोग्राफर्स के बीच फोटो खींचने को लेकर विवाद हुआ। हालांकि मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मगर ताजमहल में हो रही इस तरह की घटनाओं से पर्यटकों की संख्या गिर रही है। ताजमहल में फोटो खींचने को लेकर फोटोग्राफर्स और कुछ पर्यटकों के बीच विवाद हो गया। दरअसल मंगलवार को करीब 3 बजे लगभग 40 लोग आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे। ये लोग अपने साथ एक प्राइवेट फोटोग्राफर लेकर गए थे। ताजमहल में मौजूद फोटोग्राफरों ने इसका विरोध किया। फोटोग्राफरों के अनुसार ताजमहल के अंदर लाइसेंस धारक ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि पर्यटकों और फोटोग्राफर के बीच जमकर मारपीट हुई। जैसे ही पर्यटक ताजमहल देखकर पूर्व गेट से बाहर निकले, फोटोग्राफर ने अपने साथियों को बुला लिया और पर्यटकों को घेर कर उनके साथ मारपीट की। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने बीच बचाव तो किया, पर इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। फोटोग्राफर्स ताजमहल पर पिछले काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार का व्यवहार करते रहे हैं, जो पर्यटन में सौहार्दपूर्ण नहीं माना जाता है। और आगरा के पर्यटन जगत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट किया था कि उनके लिए कियोस्क बना दिया जाए या उनको रोस्टर से वन बाय वन पर्यटकों के पास आने दिया जाए, लेकिन अमूमन देखने में आया है कि वो एक फ़ोटो के 100 से 150 रुपये लेते हैं, और जब कोई ग्रुप होता है तो उसके लिए 30 से 35 ग्रुप के लिए उसी को 30 गुना चार्ज कर लेते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नियत राशि से काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं की संभावना बनी रहती है और पर्यटक अधिक पैसे देने से मना करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अनुसार ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें ये बोला गया हो कि ताजमहल में सिर्फ लाइसेंस फोटोग्राफर्स ही फोटो खींच सकते हों। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह की घटनाओं का असर पर्यटकों की संख्या पर भी पड़ता है। यूपी टूरिज्म के आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में पर्यटकों की संख्या 1.8 करोड़ थी, पर उसके बाद इसमें कमी आ रही है। साल 2016 में ये घटकर 1.3 करोड़ पर रह गई और साल 2017 में ये और घटकर 1.2 करोड़ के पास रह गई है। पर्यटकों की घटती संख्या के पीछे कई कारण हैं, जिसमें से बढ़ते टिकट के दाम, ताजमहल पर घूमने आए पर्यटकों पर कैप लगना, नाइट बाजार का ना होना और अब फोटोग्राफर्स का व्यवहार भी एक वजह बन रही है। उज़ैर अली जाफरी, गो न्यूज़।